भाखड़वड़ी गुजरात के मार्केट में मिलने वाली ट्रेडिशनल और स्पेशल रेसिपी है। देखने में ये रेसिपी बहुत सुंदर लगती है और खाने में उससे कहीं ज़्यादा चटपटा और क्रिस्पी भी है। इस रेसिपी में आपको खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा और खस्ता बहुत से फ्लेवर मिल जाएंगे। मार्केट में मिलने वाली भाखड़वड़ी की ये रेसिपी आप घर में भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसे सफर में ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। इसे चाय के साथ खाएं तो बहुत ही चटपटा लगेगा और तो और आप इसे पूरे महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चटपटी सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चटपटी और क्रिस्पी भाखड़वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात लेंगे और इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। अगर मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ये रेसिपी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसी में हम 1/4 कप बेसन डालेंगे, ये 3 टेबल स्पून के करीब है। 200 ग्राम हमारा मैदा है तो मैंने इसमें 50 ग्राम बेसन डाला है। ये हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है, इसे हाथ में लेंगे और थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। अगर जीरा का टेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 बाउल रिफाइंड ऑयल, इसे हम आवश्यकता अनुसार इसमें डालेंगे। पहले 1/2 इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका मोयम बनाएंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसमें मोयम कम लग रहा है तो इसमें हम और रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और अब इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। इसे जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका मोयम बनेगा। अब यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा मैदा लेंगे और इस तरह से लड्डू बना के देख लेंगे। ये देखिए, ये आसानी से बच जा रहा है, यानी मोयम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका बिल्कुल सख्त आटा लगाएंगे। इसमें इकट्ठे पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिलाते जाएं जिससे आटा गीला ना होने पाए। अब इसका मैंने बिल्कुल सख्त आटा लगाकर रेडी कर लिया है, ये देखिए, ये बिल्कुल सख्त है। तो अब इसे इसी तरह से 10 मिनट ढककर रख देते हैं और इसके अंदर भरने के लिए एक चटपटा सा मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हरी सौंफ डालेंगे। अब ये मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लिया है, इसे भी डाल देते हैं। तिल नहीं है तो इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून देसी ग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। अब इसे गैस पर रखेंगे और सारे मसाले को 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा भून लेने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस को लो फ्लेम पर ही रखें। इसे मैंने 2 से 2.5 मिनट भून लिया है। अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे बराबर चलाते रहिए जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। और ये देखिए, अब इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। अब ये ठंडा हो गया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। तो अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। मसाले को चटपटा करने के लिए 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। मसालों का टेस्ट बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें चीनी डालेंगे यानी शुगर। अब इसमें खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, खस्ता सभी फ्लेवर आपको मिल जाएगा। 1/2 चम्मच चीनी इसमें हम और डाल देते हैं, यानी टोटल इसमें मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाला है। अब मिक्सर जार लेंगे और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये भुने हुए मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, चीनी, नमक सब इसमें डाल देते हैं। अब इसे बंद करेंगे और इसे पीसकर इसका बिल्कुल दरदरा पाउडर बना लेते हैं। और ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए, ये दरदरा और एकदम चटपटा सा मसाला बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैदा को मैंने ढककर 10 मिनट छोड़ दिया था और ये देखिए, अब मैदा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे हम 1/2-1 मिनट तक और मसल लेते हैं जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी ये काफ़ी सख्त है। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो अब इसे हम इस तरह से लंबा कर लेंगे और इसे थाली में रखेंगे और इसे काटकर इसके 4 पार्ट कर लेंगे। अब इसमें से 1 पार्ट लेंगे और इसे गोला करेंगे और जो मैदा बचा है इसे ढककर रख देंगे जिससे ये सॉफ्ट बना रहे। थोड़ा सा गोला करके इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और इसे इस तरह से हाथ से दबा देंगे और चपटा कर लेंगे और हाथ से ही दबा दबा कर इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब बेलन लेंगे और इसे बेलकर एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाएंगे। इसे बिल्कुल पतला और बड़ा बेलना है, जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का इसे पतला, लेकिन रोटी से 2 गुना बड़ा होना चाहिए।
और ये देखिए, इसे बेलकर मैंने इसका बिल्कुल पतला और बड़ा रोटी बना लिया है। और इसकी थिकनेस देखिए, ये बिल्कुल पतला है, जैसे हम डेली रोटी बनाते हैं उससे भी पतला इसे मैंने बेला है। तो अब इसे फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप लगाएंगे। आप इसमें इमली की चटनी, टोमेटो सॉस, चिली सॉस जो भी चाहे लगा दें। इससे इसमें मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे, फ्राई करते समय गिरेंगे भी नहीं और ये चटपटा भी हो जाएगा। टोमेटो केचप की अच्छे से कोटिंग हो गई है, तो अब इसके ऊपर हम मसाले डाल देते हैं जो मैंने बनाया है। और इसे हम हाथ से ही अच्छे से फैला देंगे और बराबर करते जाएंगे। बस किनारों को थोड़ा थोड़ा छोड़कर सारे रोटी में चारों तरफ अच्छे से मसाले फैला दीजिएगा। अब इसके ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो गई है, तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके दोनों किनारे पर हल्का हल्का मोड़ देंगे और हल्का सा इसे दबा देंगे जिससे मसाले बाहर ना निकले। अब इसे इस तरह से एक साइड से पकड़ेंगे और इसे धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे। इसे थोड़ा टाइट ही फोल्ड करिए जिससे इसमें बीच में ज़रा भी जगह ना रहे, और कॉर्नर पर इसे दोनों साइड से दबाते जाइए। अगर इसके बीच में ज़रा सा भी खोखला रहेगा तो फ्राई करते समय मसाले पैन में गिरने लगेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे बिल्कुल टाइट मोड़ते जाइए और दोनों साइड से हल्का हल्का दबाते जाइए। ये सबसे ज़रूरी ट्रिक है, इसे बिल्कुल टाइट ही मोड़ें जिससे बीच में ज़रा सा भी जगह ना रहे। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, इसे ढीला मोड़ देते हैं तो फ्राई करते समय मसाले पैन में गिरने लगते हैं। इसे मैंने यहाँ तक मोड़ लिया है। अब जो किनारा बचा है इसे इस तरह से उंगलियों से हल्का हल्का दबा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। उंगली में हल्का सा पानी लगाएं और इस तरह से किनारे पर लगा दें तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसे पकड़ें और इस तरह से बिल्कुल टाइट इसे मोड़ दें और किनारे पर हल्का सा दबा दें जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। अब इसे इस तरह से हल्का सा रोल कर लें जिससे सारे परत इसमें एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए, अब ये रोल बन के रेडी हो गया है। तो बस अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो पहले इसका किनारा काट के निकाल देंगे, उसके बाद इसे आधे आधे इंच की दूरी पर काट लेंगे। आप इसे पतला मोटा जैसा चाहें काट सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा पतला मत काटिएगा। अब ये कट गया है, तो अब इसमें से एक पीस लेंगे और इसे हाथ से थोड़ा सा गोला कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसे नीचे रखकर इसे हल्के हाथों से दबा देंगे जिससे मसाले इसमें अच्छे से बैठ जाएं और फ्राई करते समय मसाले बाहर ना निकले। इसी तरह से दूसरा भी लेंगे और इसे भी हल्का से गोला करके थोड़ा सा दबा देंगे। और ये देखिए, अब ये भी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे पीसेज को हल्का हल्का दबा देंगे। अब ये हमारा सुपर टेस्टी चटपटा नमक पारा बनके रेडी हो गया है। तो बस अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अब गैस पर मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए पहले से रख दिया है और तेल अच्छे से गरम भी हो गया है। तो इसमें हम आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे और इसे फ्राई करके निकाल लेंगे, तब तक तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसे हमें अच्छे गर्म तेल में ही फ्राई करना है। तो अब इसमें एक एक करके जितने पीस इसमें आ जाते हैं डाल देते हैं। इसे डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें जिससे ये धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। इतना पीस मैंने इसमें डाल दिया है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इसे 2 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब ये एक तरफ हो गया है तो इसे धीरे से पलट देते हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर कम तेल में इसे बनाना चाहते हैं तो इसे सेलो फ्राई कर लें या फिर तवे पर भी बना सकते हैं। तो इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी और दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये अच्छा क्रिस्पी और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं और ये देखिए, अब इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और ये देखने में कितना अच्छा और क्रिस्पी लग रहा है। तो अब इसके हम सारे तेल छान लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में और भी भाखड़ बड़ी डाल देंगे और थोड़ी देर इसे इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसे धीरे से पलट देंगे और इसे भी उलट पलट कर अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये भी हो गया है तो इसके भी हम तेल छान लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये हमारा सुपर टेस्टी क्रिस्पी भाखड़ बड़ी का रेसिपी सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको खाने में कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।